स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये एक और अथवा में प्रश्न लिखा गया है। अथवा में प्रश्न है कि पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन सी कठिनाइयां हैं। तो ये दोनों ही प्रश्न है, दोनों प्रश्न का एक ही जवाब है। आइए सवाल का जवाब लिख के बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। यही कारण है कि यहाँ बार बार सैनिक शासन जो है लोकतंत्र को कुचलता रहा है। जैसे जैसे की बात करें तो सबसे पहले राजनीति में सेना का हस्तक्षेप होना, दूसरा राजनीति में कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं, ये कट्टरपंथी धार्मिक नेता इनका दबदबा ज्यादा है, तीसरा है विदेशी ताकतों का भी हस्तक्षेप होता है, चौथा है राजनीतिक दलों व नेताओं के संकीर्ण स्वार्थ के कारण भी यहाँ पर पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र के बीच बार बार टकराव होते रहते हैं। अब कुछ और बातें लिख लेते हैं। कुछ और बातों में लिखेंगे कि पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश की बागडोर जनरल अयूब खान, ये इनके हाथ में आ गया, इनके हाथ इन्होंने संभाली। इसके बाद कौन आ गया? याहिया खान। इसके बाद जियाउल खान। इसके बाद परवेज मुशर्रफ। इन सब ने कैसा शासन व्यवस्था किया? सैनिक शासन जो है स्थापित किया। इसके बाद कुछ समय के लिए जरूर, लेकिन जो जुल्फिकार अली भुट्टो है, दूसरा है बेनीजीर भुट्टो है, और तीसरा है नवाज शरीफ, इनके नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार रहा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ सैनिक शासन भी रहा और लोकतांत्रिक सरकार यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी रहा। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं। हालांकि आज भी कई वैश्विक स्तर पर जो नेता है या विचारक है उनका मानना है कि ये केवल दिखावा करते हैं लोकतांत्रिकरण का, यहाँ पर अभी भी सैनिक शासन का अस्तित्व है। हालांकि जो भी हो, ये है आपका जवाब। ऐसे ही जवाब आपको कॉपी में लिखना है, पूरे सवाल का जवाब लिख रही, याद कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।